सैनिटाइजेशन करने से पहले सबसे पहली एडवाइस होगी कि आप ग्लव्स पहन लें। सैनिटाइजेशन के दौरान आप स्किन प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखेंगे। घर में सबसे ज़्यादा छुई जाने वाली जगहों को सैनिटाइज करें, जैसे कि टेबल, डोर नॉब्स, स्विच बोर्ड्स, काउंटर टॉप्स, डोर हैंडल्स एट्सेट्रा। किसी भी सरफेस को सबसे पहले फ्लोर क्लीनर और वाटर से साफ करें, उसके बाद सैनिटाइजर से। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को सैनिटाइज करने के लिए आप 70% अल्कोहल कंटेनिंग वाइप्स ले सकते हैं। फॉर वॉशिंग क्लोथ्स आप मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कि आप थोड़े गर्म पानी में कपड़े धोएं और कपड़ों को अच्छी तरह सुखाएं। बर्तन धोने के लिए आप कोई भी डिश बार और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं। फल और सब्जियों को अच्छे से हाथ या ब्रश की मदद से घिसते हुए पानी से धो लें। एज पर स्टडीज, जब तक आपको आपके ऑनलाइन शॉपिंग का सामान मिलता है तब तक उसमें वायरस होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है। फिर भी आप चाहें तो उसे घर में लाने से पहले कुछ घंटों के लिए बाहर रख सकते हैं या उसे सैनिटाइज कर सकते हैं। हर थोड़ी देर बाद अपने हाथों को हैंड वॉश या साबुन से 20 सेकंड तक धोएं या हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।